गाइज वी हैव स्पॉटेड अ कंपनी, बहुत ही अच्छी एक कंपनी है जिसको कि हमने स्पॉट किया है चार्ट के अनुसार, और इसको आप लोग बोल सकते हैं चार्ट ऑफ द बीक है। और आप इसमें इन्वेस्टमेंट के इरादे से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी देखना चाहते हैं तो इस कंपनी में जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक एक वीक के लिए, एक महीने के लिए, 20 दिनों के लिए, जो भी आपका दायरा हो। तो चलिए हम लोग लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, अगर हम पहले की बात करें तो 3300 से लेकर 3400 जोन, जो बहुत ही एक क्रूशियल जोन था TCS में, जो कि एक रेजिस्टेंस के तौर पे निकल कर आ रही थी, ठीक है, क्योंकि इसने 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ था TCS ने। आप लोग देख सकते हैं ईजिली, मैंने यहाँ पे सारा कुछ ड्रॉ करके रख दिया है। तो ये रेजिस्टेंस था, और जैसे ही TCS ने इसको ब्रेकआउट किया एक ग्रीन कैंडल से, आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा एक इसको रन मिला, ऊपर की तरफ गया TCS, और 4000 के स्तर पे जो ये कंपनी है इसने अपना एक हाई लगाया, और इसमें बिकवाली का दौर अभी तक जारी है। और ये कंपनी अभी अगेन फिर से क्या हुआ, इसमें इसने जो है जिस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, अब नाउ ये अब एक सपोर्ट की तरह काम करेगा TCS में, और ये एक आप बोल सकते हो डिमांड एरिया है। तो एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर आप इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देख रहे हैं TCS में, लाइक अपना कुछ यहाँ पे पोजीशन बनाना, तो आप 3300 से लेकर 3400 के जोन पे बाई के लिए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक सेफ जोन यहाँ पे रह सकता है, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे आप अपने कैपिटल के अनुसार, रिस्क के अनुसार यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सो गाइज इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। और ये जो कंपनी है चैनल में ट्रेड कर रही है, चैनल की अगर हम बात करें तो चैनल में क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो आप देखिए नीचे से भी ट्रेंड लाइन पे ही ये कंपनी ट्रेड कर रही है, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रही है, अगेन ये ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, अगेन नीचे से जो ये रेजिस्टेंस है ये भी इसको सपोर्ट देने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी, और जो है ये बहुत ही अच्छा एक लेवल है बाय करने के लिए। सो गाइज इसको वॉच लिस्ट में रखें और ज़रूर बाय करें। ओके